खबर धार जिले के टांडा से है, जहां के जामंदा भूतिया घाटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो इनामी बदमाश नानकिया और कमल घायल हो गए। वहीं बदमाशों की फायरिंग में पुलिस के दो जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने जामंदा भूतिया घाटी में बदमाशों के आने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए। बदमाश नानकिया पर 55,000 का और कलम पर 45,000 का इनाम था। बदमाशों का मूवमेंट है, वहां पुलिस गई और बदमाशों ने फायरिंग की, आमना सामना हुआ। उसमें एक बदमाश को गोली लगी है और एक घायल है। दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसमें एक जो बदमाश है, जिसका नाम नानकिया है, वो 55,000 का इनामी है और दूसरा कलम जो करीब 45,000 का इनामी है, उन्हें अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनका टांडा अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। अभी दो जवानों को कुछ चोटें आई हैं और उनका भी इलाज चल रहा है।